दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास कुछ क्वेरीज फेसबुक पे आई थी कि उन्होंने अपने जो प्लांट्स है वो मुझे दिखाए कि जो नर्सरी से हम जो प्लांट्स लेके आए हैं वो आप देखिए कि ग्राफ्टेड है या नहीं। तो चलिए आज मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप ग्राफ्टिंग के प्लांटों की कैसे पहचान करें कि वो ग्राफ्टेड है या बिना ग्राफ्टिंग के। तो आज मैं एक नर्सरी में आया था और इस नर्सरी में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्लांट्स जो रखे हैं इनके ग्राफ्टिंग के, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से ग्राफ्टिंग है और कौन से बिना ग्राफ्टिंग के हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कटहल का पेड़ को देखते हैं। मैं भी कटहल का पेड़ लेके गया था लेकिन वो ग्राफ्टेड नहीं था, और यहाँ पे जो दो प्लांट रखे हुए हैं इनमें से एक ग्राफ्टेड है और एक बिना ग्राफ्टिंग का है। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप ग्राफ्टिंग प्लांट जब देखेंगे तो उसको ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक प्लांट पे दूसरे प्लांट की जो ब्रांच होती है उसको यहाँ पे बांध दिया जाता है कट करके। तो इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप वो जो ज्वाइंट होता है जहाँ पे ग्राफ्टिंग होती है वो चेक करें आपके प्लांट में, कि अगर वो ज्वाइंट आपके प्लांट में कहीं है तो इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो ग्राफ्टेड है। जो एक प्लांट ये है ये ग्राफ्टेड है, इसका पता इसलिए लगेगा। देखिए, ऊपर से अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी जो रूट बॉल है उससे थोड़ा सा ऊपर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज्वाइंट मिलेगा। ये देखिए, देखिए दोस्तों, जो मेन इसका प्लांट है वो यहाँ तक था, यहाँ पे इन्होंने कट किया इसकी वी शेप में कट करके, और जो ऊपर की ये जो ब्रांच है ये ऐसे फ्रूट के ट्री से लेके आए थे जिससे फ्रूट लगते हैं। यानी कि जब हम किसी भी प्लांट पे ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो ग्राफ्टिंग वाली जो ब्रांच हो ऐसे ट्री से ले जिसपे फ्रूट आते हो, तभी हमारे प्लांट पे जल्दी फ्रूट लगेंगे। तो ये ऐसे प्लांट से ही ब्रांच ली है जिसपे फ्रूट आते थे, और इस ब्रांच को इस वाले जो प्लांट है उसको यहाँ से कट करके इसके अंदर ग्राफ्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं, देखिए जो ये हिस्सा है इसका, ये जो ये प्लांट सीड से लगाया हुआ ये है, और जो ऊपर का ये वाली जो ब्रांच है ये ब्रांच ऐसे प्लांट से लगी हुई है जिसपे फ्रूट आते हैं। तो इसी कारण इस प्लांट पे इसको अगर मैं जाकर ज़मीन में लगाता हूँ तो इस पे जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, और अगर मैं बिना ग्राफ्टिंग वाला जो मैं प्लांट लेके गया था पहले उस पे काफ़ी टाइम, यानी कि उसकी जब एज होगी तब उस पे फ्रूट आएंगे। चलिए, ऐसे ही मैं कुछ और प्लांट्स आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने ग्राफ्टेड रखे हुए हैं। दोस्तों, ये देखिए सामने आपको चाइनीज जो अमरूद है वो दिख रहे होंगे, तो चाइनीज अमरूद को भी इन्होंने ग्राफ्ट किया हुआ है, और इनमें जो ग्राफ्टिंग है वो आपको ईजिली दिख जाएगी। ये देखिए, इस पे जो ये है ये इसका जो बीज से तैयार किया हुआ प्लांट है, और जो ये ब्रांच है ये ग्राफ्टेड है इस पे, ये देखिए, और इसकी आपको ग्राफ्टिंग दिख रही होगी क्योंकि ये अच्छे से अभी सक्सेस नहीं हुई है। ये ब्रांच अलग है और ये ब्रांच अलग है, अगर आप नीचे से देखेंगे तो दिख रहा होगा ये ब्रांच इस ट्री पे ये ब्रांच लगाई गई है, इस प्लांट पे ये लगाई हुई है। सेम ऐसी अगर आप इस प्लांट को देखेंगे, देखिए ये जो आपको दिख रही है ट्रंक, ये जो बीज से लगाया हुआ प्लांट है उसकी है, और ये जो ब्रांच है ये मदर प्लांट से लाई हुई है जिसपे फ्रूट आते हैं। दोस्तों, ग्राफ्टेड प्लांट पे अगर ग्राफ्टिंग के नीचे से कोई ब्रांच स्टार्ट होती है, कोई ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उसको तोड़ देना चाहिए। जैसे कि ये प्लांट है, अगर इस प्लांट पे यहाँ पे ग्राफ्टिंग की हुई है, आप इसका ऊपर का अगर लीफ देखेंगे तो देखिए आपको थोड़ा सा इसमें जो अलग कलर का ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा और मैरून मैरून सा लीफ है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्लांट है जो कि बीज से लगा हुआ था, देखिए उसका कलर कैसा है। तो अगर इसको हमें ग्रो करना है तो इसकी जो नीचे की जो ब्रांच है इनको आप तोड़ दें, तभी जो प्लांट है आपका ऊपर ग्रो कर पाएगा। इस तरह से तभी जो प्लांट आपका जल्दी ग्रो करेगा, अदरवाइज नीचे की जो ब्रांच है ये प्लांट का जो फूड है उसको ये फूड इसका खा लेती है, जिसकी वजह से ऊपर की जो हमने ग्राफ्टिंग की थी वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। ये देखिए, इस लाइन में जितने भी प्लांट रखे हुए हैं अमरूद के सभी ग्राफ्टेड है। यहाँ साथ में इस बेड पे आपको जो आम है, आम दिख रहे होंगे, आम को भी इन्होंने ग्राफ्टेड किया हुआ है। कुछ आम बिना ग्राफ्टिंग के होते हैं और कुछ ग्राफ्टेड, तो जो ग्राफ्टेड आम होते हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने यहाँ से इनको ग्राफ्ट कर रखा है। इस प्लांट पे पॉली बैग नहीं है तो आपको ये केयरफुली दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस पे जो ग्राफ्टिंग है आपको दिख रही होगी, यानी कि जो ये ब्रांच है ये इस पे ग्राफ्ट की हुई है। ये देखिए, जो ये लीफ दिख रहा है आपको ये इसके जो बीज से ग्रो किया हुआ है वो है, इसको हम तोड़ देते हैं। और सभी जितने भी प्लांट्स नर्सरी में रखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, सभी को क्यारियों में रखा हुआ है। इसका यही कारण है ताकि ये फूड जो है अपने रूट्स इस क्यारी के अंदर चला दे और वहाँ से अपना फूड लेते रहे।
अगर ऐसे नहीं करेंगे तो प्लांट्स जो है वो ड्राई होते चले जाएंगे। दोस्तों कुछ अशोका के ट्री हैं और इनके साथ में देखिए कुछ चीकू के प्लांट रखे हुए हैं, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी ग्राफ्टेड है, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये इसका सीड से ग्रो किया हुआ है प्लांट, और जो ये है ये इस पर ग्राफ्ट किया हुआ है। दोस्तों चीकू का मोस्टली जो ग्राफ्टिंग होती है वो खिरनी के प्लांट पे होती है, यानी कि जो नीचे का प्लांट है ये खिरनी का होता है और उस पर चीकू को ग्राफ्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों आई थिंक जब आप नर्सरी में जाएंगे तो इस बार आपको ग्राफ्टेड प्लांट की पहचान हो गई होगी कि आप कैसे ग्राफ्टेड प्लांट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग प्लांट्स बाय करने से पहले एक बार उसको ज़रूर देख ले कि उस पर जो ग्राफ्टिंग है वो की हुई है या नहीं हुई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।